नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं satyhindi.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। ब्रिस्बेन टेस्ट मैच को जीतकर भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चौथे टेस्ट मैच में 3 विकेट से हरा दिया। भारत की ओर से ऋषभ पंत ने कमाल करते हुए 89 रन की पारी खेली। भारत की इस ऐतिहासिक जीत में पंत और शुभमन गिल हीरो साबित हुए। गिल ने जहां 91 रन बनाए तो वहीं पंत ने तेजी से रन बनाकर भारत को गाबा के मैदान पर पहली जीत दिलाई। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज को भारत ने 2-1 से जीतने में सफलता पाई। पंत के अलावा 56 रनों की जुझारू पारी पुजारा ने खेली। भारत ने 328 रनों के लक्ष्य को हासिल कर गाबा में सबसे ज्यादा रनों को सफलतापूर्वक चेज करने का रिकॉर्ड भी बना दिया। केंद्र सरकार और किसानों के बीच 10वें दौर की बातचीत अब 19 जनवरी के बजाय 20 जनवरी को होगी। सोमवार देर रात किसान संगठनों ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और सरकार की ओर से मंत्री समूह की बैठक 20 जनवरी 2021 को दोपहर 2 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी। 10वें दौर की इस वार्ता से ठीक पहले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि उन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि सरकार के साथ होने वाली इस बैठक से कोई हल निकलेगा। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को हमारी होने वाली ट्रैक्टर रैली राजधानी के आउटर रिंग रोड पर होगी और हम वहां नहीं जाएंगे जहां गणतंत्र दिवस की परेड होगी। 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड से पहले आज दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों के बीच बातचीत हुई। किसान संगठन ट्रैक्टर परेड के लिए अनुमति मांग रहे हैं। बता दें, सोमवार को किसानों की ट्रैक्टर रैली के मामले पर चल रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में प्रवेश का मामला सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा है और किसे किन शर्तों पर दिल्ली में प्रवेश की इजाजत दी जानी चाहिए ये पुलिस तय कर सकती है, कोर्ट नहीं। दिल्ली पुलिस से बातचीत के बाद किसान नेता दर्शन पाल ने NDTV के साथ खास बातचीत में कहा कि पुलिस ने हमसे परेड के रूट और लोगों की संख्या को लेकर सवाल पूछे हैं। पुलिस ने कहा है कि आउटर रिंग रोड पर परेड निकालने से परेशानी हो सकती है। हालांकि परेड की परमिशन के बारे में दिल्ली पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि हमारी परेड निकलनी तय है। बता दें कि किसानों ने दिल्ली पुलिस से 26 जनवरी को परेड के लिए लिखित परमिशन नहीं मांगी है। मुंबई पुलिस द्वारा जारी की गई कथित व्हाट्सएप चैट के लीक होने के बाद आलोचनाओं का सामना कर रहे रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन यानी NBA ने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन यानी IBF से मांग की है कि चैनल की प्राथमिक सदस्यता को निलंबित कर दिया जाना चाहिए। IBF देश के टीवी चैनलों की संस्था है और इसके प्रमुख इंडिया टीवी के चेयरमैन और संपादक रजत शर्मा हैं। NBA ने कहा है कि चैट से साफ है कि बार के पूर्व CEO पार्थोदास गुप्ता और अर्णब के बीच आपसी साठगांठ थी और इससे हर महीने फर्जी तरीके से बाकी चैनलों की रेटिंग घटाई जाती थी और रिपब्लिक टीवी को गलत फायदा पहुंचाया जाता था। अरुणाचल प्रदेश में चीन की ओर से एक गांव बनाए जाने की खबर ने चिंताएं खड़ी कर दी हैं। इसको लेकर अरुणाचल में चीन की निर्माण गतिविधियों का मुद्दा उठा चुके भारतीय जनता पार्टी के सांसद तापिर गाओ ने मंगलवार को एक बार फिर कहा कि चीन काफी वक्त से यहां पर निर्माण कर रहा है। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। न्यूज एजेंसी NI से बातचीत में तापिर गाओ ने कहा, 80 के दशक से ही चीन इस इलाके में घुसपैठ किए हुए हैं और ऐसे में गांव बसाने की बात कोई नई नहीं है। वो पहले ही मैकमोहन लाइन के अंदर यानी भारत की सीमा के भीतर आने वाले बीसा और माजा में मिलिट्री बेस बना चुका है। बता दें कि NDTV की खबर के अनुसार चीन ने 2019 से 2020 के बीच में अरुणाचल प्रदेश में एक गांव बसा लिया है। ये गांव भारतीय सीमा के 4.5 किलोमीटर अंदर है। BJP अध्यक्ष JP नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से पूछा है कि वे उनके वंश के लोग और कांग्रेस चीन पर झूठ बोलना कब बंद करेंगे। नड्डा ने कहा कि क्या इस बात का खंडन कर सकते हैं कि हजारों किलोमीटर जमीन नेहरू ने चीन को तोहफे में दे दी थी। किसान आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर नड्डा ने कांग्रेस पर किसानों को भड़काने और गुमराह करने का आरोप लगाया है। भारत बायोटेक ने अपने वैक्सीन को लेकर कुछ शर्तें जारी की हैं। भारत बायोटेक की COVID-19 वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान अपलोड कर बताया है कि किन लोगों को वैक्सीन नहीं लगवानी है। बयान के अनुसार एलर्जी पीड़ित, बुखार और ब्लीडिंग डिसऑर्डर वाले लोग, जो खून पतला करने की दवाई लेते हैं और वो जो लोग इम्यूनिटी को लेकर दवाई लेते हैं, उन्हें भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन ना लगवाने की सलाह दी है। इसके साथ ही गर्भवती महिलाएं और जो स्तनपान कराती हैं उन्हें भी इस वैक्सीन लगाने से मना किया गया है। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत 16 जनवरी से हो चुकी है। पहले फेज में फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी बीच कर्नाटक एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने राज्य सरकार से मांग की है कि स्वास्थ्य कर्मचारियों को यह अनुमति दी जाए कि वो कोरोना वैक्सीन का चयन कर सकें कि उनको कोवैक्सीन लगवानी है या कोविशील्ड।
रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। अभी कोविशील्ड कुछ जिलों में लग रही है, जबकि उनको भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगाई जा रही है, जिसके तीसरे चरण के नतीजे भी नहीं आए हैं। कर्नाटक एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के अध्यक्ष डॉक्टर दयानंद सागर का कहना है कि स्वास्थ्य कर्मियों पर कोवैक्सीन का इस्तेमाल परीक्षण के तौर पर करना निंदनीय है। भारत में सोमवार को 1,48,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई, जिसके साथ ही देश भर में अब तक वैक्सीन लगवा चुके लोगों की संख्या 3,81,000 से अधिक हो गई है। इस बीच 580 लोगों में इसके साइड इफेक्ट्स भी देखे गए, इसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ी है। इनमें से वैक्सीन लगवाने के 24 घंटों बाद 2 लोगों की मौत भी हुई है। हालांकि एक की मौत हार्ट अटैक से बताई जा रही है, तो दूसरे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। भारत में एक दिन में 10,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और 137 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,05,81,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,52,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 2,00,000 के पार हैं। गुजरात के सूरत में कोसाम्बा के पास रात को सड़क के नजदीक सो रहे मजदूरों के ऊपर से ट्रक गुजर गया, जिससे 13 मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि सभी मजदूर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ के रहने वाले थे। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक ट्रक गन्ने से लदे एक ट्रैक्टर से टकरा गया, जिसके बाद ट्रक बेकाबू होकर फुटपाथ पर चढ़ गया, जहां मजदूर सो रहे थे। हादसे के वक्त फुटपाथ पर 18 लोग सो रहे थे। घटनास्थल पर ही 12 लोगों की मौत हो गई। वेब सीरीज तांडव को लेकर मचे हंगामे के बीच डायरेक्टर अली अब्बास जफर का माफी से जुड़ा एक लेटर सामने आया है। ट्वीट किए गए लेटर के मुताबिक तांडव के ऑफिशियल कास्ट एंड क्रू की ओर से कहा गया है कि हम किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहते थे। वेब सीरीज में किसी के धार्मिक भावनाओं को आहत करना हमारा उद्देश्य नहीं था। अगर किसी की भावना आहत हुई है तो हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।